राम राम सारे भाई ना भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज हम आए हैं भिवानी और भिवानी में रामफल ब्रदर्स की जोड़ी जो कि हरियाणा में फेमस हो चुकी है और आज आप आए तो आपकी मुलाकात करवावांगे। सब तो पहले तो आपने इनका नाम नहीं बेरा होगा, नाम आप आए तो असली नाम पूछ लिया। हाँ, राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो भाई राम राम आपको। राम राम भाई साहब। भाई सुंदर राम राम। भाई साहब सबसे पहले तो जो अपने दर्शक हैं इन आपका असली नाम बताओ। नवीन नाम है मेरा। आपका भाई? मेरा अनूप नाम है भाई। तो दोस्तों मैं कुछ सवाल लिख के लिया हूँ तो भैया तो आप वो सवाल पूछांगे। तो भाई साहब सबसे पहले अपनी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जो है जब मैं छोटा था फिफ्थ क्लास में, जब मैं स्कूल में एक नाटक हुआ था वहाँ से किया मैंने। धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहा, फिर मैंने स्कूल्स में काफ़ी बार किया। प्लस टू तक आते आते मैं करता रहा ये नाटक वाटक करता रहा। फिर कॉलेज में आने के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मेरे गुरुजी डॉक्टर ऋकेश पंगाल हैं और उन्हीं के सानिध्य में मैंने ये थिएटर करना स्टार्ट किया और अभी थिएटर करते करते हो गए 4-5 साल हो गए। तो एक्टिंग का यहाँ से कर रहे हैं। फिर यूट्यूब का हमने स्टार्ट किया मे भी 2 साल पहले, जब एक वीडियो की थी हमने, एक गाना वायरल हुआ फेसबुक पे। फिर उसके बाद चैनल हमने क्रिएट किया और धीरे धीरे अब उसी पर काम कर रहे हैं। और चैनल को देखकर ही हमें दूसरे जो और भी चैनल हैं वो हमें बुलाते काम करने के लिए। तो इस तरह से शुरुआत चल रही है अभी। अनु भाई आपके आदर्श कौन रहे हैं? मेरे आदर्श डॉक्टर राकेश पंगाल जी हमारे गुरु हैं जी, वो हमारे आदर्श रहे हैं। उन्हीं से थिएटर की बारीकियाँ सीखी मैंने, कॉलेज में स्टार्ट किया था कॉलेज में आने के बाद जी, जी, जी। तो उसके बाद 5-6 साल हो गए, फिर चैनल नवीन ने बताया चैनल स्टार्ट किया 2 साल पहले, वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद से लगातार काम कर ही रहे हैं जी। नवीन भाई अपने फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा। फैमिली के बारे में बताऊं तो हम 6 मेंबर हैं। मेरे पिताजी, माताजी, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, 1 मैं हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ और यही हम 6 मेंबर हैं, छोटी सी फैमिली एक। अनु भाई अपने बताइए। भाई हम 3 भाई हैं। वैसे प्रॉपर तो हम रानीला गांव से बिलोंग करते हैं लेकिन 7-8 साल से यहीं भिवानी रह रहे हैं जी। तो दोनों की शादी हो चुकी, मैं सबसे छोटा हूँ, तो देखो कब भगवान ने चाहा और हो जाए। तो क्या ख्याल है शादी के बारे में? अरे अभी तो मतलब कोई प्लान नहीं, अभी तो पहले ही है, अभी तो पहले ही है कि थोड़ा करियर पे ध्यान दे रखा है भाई, थोड़ा हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए तो 2 दाने ख्वास का उसने अगले ने भी जी जी जी। नवीन भाई जो आप शो कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो जो आप कर रहे हो ये बॉम्बे तक जाएगी? मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट सॉन्ग मेरा वायरल हुआ था वो अमेरिका तक, जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जो हरियाणवी लोग रहते हैं उन्होंने भी स्टेटस लगा रखे थे। अच्छा अच्छा। तो जब स्टार्टिंग में तो जा रही थी। अच्छा, अच्छा। और आज भी लोग कई कमेंट में बोलते हैं लव फ्रॉम बॉम्बे, लव फ्रॉम राजस्थान और कई कई जगह से लोग देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं देख रहे। इंस्टाग्राम पे एक पेज है LR69 के नाम से जी, जी, जी। उसके 3 मिलियन के आसपास फॉलोवर हैं। अच्छा, तो उसने भी अपनी वीडियो शेयर कर रखी थी पहली वीडियो। अच्छा, हाँ मतलब वो अमेरिका में रहता है। अच्छा। तो शायद हरियाणा का ही बंदा है कोई ना कोई वो जी, जी जी। हाँ उसने शेयर कर रखी थी अपनी। अनु भाई अपने चैनल के बारे में थोड़ा बताइए, कद बनाया और किस तरह के ध्यान? चैनल भाई 2 साल हो गए, शायद इन्हीं दिनों की बात है, अगस्त की ही बात है। तो हमारी वीडियो वायरल हुई थी, उसके होने के बाद कि एक प्लान आ गया, डिस्कस किया हमने बैठ के कि अब तो लोग जानने लगे हैं कि फेस ध्यान है लोगों को, हाँ भी ये कुछ ये 2 बंदे हैं कोई ना कोई, मैं क्यों नहीं चैनल बनाया जाए जी। तो और अपने जैसे चल रहा है पहला गाना आया था तो वैसे ही अपने पैरोडी करे गानों की, फिर से चैनल बनाया और पैरोडी करते लोगों को नया लगा, कुछ पसंद आने लगा तो बढ़ावा दिया लोगों ने, हौसला बढ़ाया हमारा चैनल। तो क्या है चैनल जो बनाया रामफल ब्रदर, इससे पहले भी था एक ब्लैक स्पैरो एंटरटेनमेंट करके, तो उस पर भी हम करते रहते थे लेकिन उस पर इतना था कि लोगों तक वो वीडियो जा नहीं पा रही थी, ना उतनी पहचान मिली थी जी। तो ऐसा नहीं है कि काम रामफल ब्रदर्स के बाद ही स्टार्ट किया, उससे पहले भी करते थे हम ऐसे छोटी मोटी वीडियोज़ तो करते रहते थे। नवीन भाई इसके व्यूज़ और सब्सक्राइब कितने हो गए? सब्सक्राइबर कुछ है 63,000 हो गए। अच्छा अच्छा। घट गए 65,000 तक थे, अभी लॉकडाउन में हुआ क्या कि 3 महीने कोई वीडियो नहीं डाली जिसके बाद सब्सक्राइबर हो गए डेड। डेड होने के बाद धीरे धीरे सब्सक्राइबर घट रहे हैं और व्यू भी कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं व्यू। कंटिन्यूटी अभी हमने की है स्टार्ट फिर से कि कंटिन्यू वीडियो डालते रहे, हम डालते रहे तो ऑडियंस जो है वो जुड़ेंगी और आई होप फिर से अच्छे व्यू आए।
अनु भाई सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? भाई साढ़े छः। क्या दिनचर्या रहती है आपकी? भाई दिनचर्या ये है कि अब अपने एक रूम लिया, ऑफिस लिया है यहाँ पे मेहमान सेक्टर 13 में, तभी है कि यहाँ के बैठते हैं सभी, कॉन्सेप्ट लिखते हैं और अपने वीडियोस पे काम करते हैं। अब कंटिन्यूटी वीडियो स्टार्ट कर दिया चैनल पे भी, क्योंकि लॉकडाउन में काम किया नहीं 2-3 महीने, तो चैनल मतलब बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, सब्सक्राइब 2500-3000 के पास आसपास घट गए थे सब्सक्राइबर। तो अब लगातार काम कर रहे हैं, हर हफ्ते वीडियो आ रही है रेगुलर, तो उस पर मतलब बैठते हैं, लिखते हैं, तो आपस में बात करते हैं, तो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अभी फिलहाल पूरे दिन यहीं है, शाम को घर पर जाकर घर वालों का काम होता है थोड़ा बहुत। नवीन भाई ना आपके बताइए दिनचर्या। मेरी दिनचर्या है कि सुबह उठता हूँ मैं 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद खाना वाना खाते हैं, नहा धो के फिर मैं यही सेक्टर में आता हूँ, यहाँ पे ऑफिस जो लिया है मैं वहाँ पे आते हैं, सफाई वफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करता हूँ मैं, बर्तन धोता हूँ, और फिर उसके बाद हम बैठते हैं सारे और वही डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर यहाँ पे शाम तक रुकते हैं, शूट होता है तो शूट करते हैं, घर जाता हूँ, नहाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। हाँ गेम खेलता हूँ फिर मैं घर जाके COD। बस यही। पबजी भी खेलते हैं? नहीं पबजी नहीं खेलता मैं। अनु भाई एक राजू पंजाबी जी का सॉन्ग है राजू की साड़ी, हाँ, तो उसके ऊपर आपने लाइन जोड़ी थी कुछ, वो एक बार अपने जो दर्शक हैं इन गा के सुनाओ आप। वाह भाई साहब आप भी प्लीज। वो लाइन थी कि रोज खुआवा उसने बोरी हम खड़की, रोज खुआवा उसने बोरी हम खड़की, दूध देण ते नाटगी झोटी राम फड़की, हाँ दूध देण ते नाटगी झोटी राम फड़की। ये ऐसा था कि जो ये गाना है राजू की साली आया था उसमें हम दोनों भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ उसमें राजू पंजाबी जी के दोस्त बने हुए हैं और वो डायरेक्ट किया था कुलदीप राठी जी ने जी। बड़ा ही प्यारा सॉन्ग था, बोला कि पैरोडी करो इस सॉन्ग की भी, तो हमने की इसकी। नवीन भाई एक गजबन पानी न चाली हरियाणवी सॉन्ग था, बहुत फेमस था, तो उसके ऊपर भी आपने जिस तरह लाइन लिखी थी, हाँ। तो वो लाइन अपने दर्शक ने सुनाओ एक बार भाई साहब। उसकी लाइन थी, आज तेजी मैं नाम लिखाया, गैले एक ट्रेनर भी लगवाया, आज तेजी मैं नाम लिखाया, गैले एक ट्रेनर भी लगवाया, होने लगा जिक्र गात का फिक्र, जान लगी मान के काली, खा खा के न होगी मोटी, लागे सेवा फुली रोटी, के गजबन जी मारन चाली, या गजबन जी मारन चाली। अच्छा ये जब ये गाना जब हमने अपलोड किया उसके बाद हमारे एक दो दोस्त हैं तो उनका फ़ोन आया कि रतन थमने गाना मेरे ऊपर मना आ गए, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी हुआ करती, वो ना जिम स्टार्ट करी थी, माना है इसी के बाद नहीं मैं लग गया तो डिट्टो मैच करे मार में। अनु भाई आप दोनों में से ये लिखता कौन है? दोनों ही लिखते हैं हम दोनों। हाँ कोई भी लिख देते हैं, पूरी टीम है जैसे। अच्छा नवीन भाई आपकी टीम है काफ़ी बच्चे हैं, तो उनके नाम बताओ एक बार। मैक्सिमम सारे हम मिले थे थिएटर में जब कॉलेज में करते थे, तो सारे बच्चे वहीं से हम इकट्ठे हैं। जैसे हमारी जो वीडियो शूट करता है वो यश केजरीवाल जी, मैं अरनूप, और जो कॉमेडी वीडियोस लिखता है वो अंकित स्टार्क बोलते हैं हम उसको, जो गिटारिस्ट आप कभी वीडियो में देखते होंगे उसका नाम भी अंकित है, और काफ़ी है, सूरज है, अजय है, हम टोटल करीबन 15-20 बच्चे हैं टीम में। कोई एडिट का काम कर रहा है, कोई डायरेक्शन का काम कर रहा है, कोई लिख रहा है, सब हैं अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अनु भाई रोला वाला भी हो जाए है थर बीच में, ये है कि छोटी मोटी बहस तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में है टीम में। हाँ मतलब होती हैं बहस वगैरह, बहसबाजी होती है, लेकिन ये बात है कि 5 मिनट बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मतलब ये नहीं कि मुँह फुला के बैठे रहे बोल रहे कोई ऐसा कुछ नहीं। अनु भाई जो आपका जो रामफड़ा ब्रदर्स चैनल है ये कुकर ध्यान में आया, मतलब अटपटा सा नाम है, एक बार थोड़ा अपने दर्शकों ने बताओ। ये अपनी हाँ एक बार अपनी वीडियो वायरल हुई थी स्टार्टिंग वाली, जो उसका नाम था रामफड़ क्या था नवीन बता मेरे यार रामफड़ रहे, तो उसमें जो उसका वो रामफड़ उठा लिया। अच्छा। तो दो भाई हैं दोनों, तो ब्रदर्स लगा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ तो रामफड़े के कॉमन वर्ड भी हरियाणा में जी
कि रामफड़ा आया तो डिस्क्रिप्शन में किसी का रामफड़ा गया ना, मतलब टाइटल में रामफड़ा गया तो क्लिक करेंगे लोग इस पर कि देखा हरियाणा लिखी है रखी है रामफड़ा, एक बात चीज़ भी है। अच्छा, यहाँ से शुरुआत की थी। हाँ नवीन भाई, जो आपकी फैमिली है इसका कितना सपोर्ट रहा है? पूरा पूरा 100% ना ऐसा मेरा नू को नहीं आके यो किसी लाइन में बढ़ गया रहे आके कि रोज रोज हो है रोज पड़ोसी रिश्तेदार खूब ताने मार घर क्या कहें बोला के बढ़ गया बोला मास्टर MSc करा के ने भी पिछले लाइन में कि नाश्ता कूदता हंडी जाए बोला कि मैं नौकरी नागरी क्यों ना पकड़े तैयारी करे बोला नौकरी लागे। अच्छा कहाँ है यह बात कर डेली? अच्छा रोटी खाने से पहले रोटी खा बाद में। अच्छा और नवीन भाई, आप फेमस हो चुके हो, हरियाणा के स्टार हो, और जब आप कहीं पे जाते हो रिश्तेदारी में तो ऐसा जैसे कोई सामने से आपको जानता है वो बोलता है ये तो वो है, कितनी खुशी हुआ मन में? स्टार्टिंग में तो थोड़ा मेरे को मतलब अजीब सा ही लगता था, लोग जानते थे मगर यार मेरे को कैसे जान सकता है कोई। फिर धीरे 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 आदत हो गई, जब भी डेली घर से निकलता हूँ तो कोई एक बंदा तो मिलता है जो हमें जानते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेते हैं और बातें करते हैं, भाई आप वही हो तो अच्छा लगता है। ओबियसली आपको भी लगेगा धीरे धीरे। नवीन भाई, अफेयर भी रहा आपका? अफेयर हाँ 200 है। 200 है आपके भाई साहब? 4-5 हज़ार तो मान ले। जितने ये लोग जाना है हमने, जितने पेज पर जुड़ रहे हैं। अच्छा, यारी दोस्ती है यार, वो यारी दोस्ती अफेयर है क्योंकि सारे दोस्त हैं भाई बस। नवीन भाई, आपके आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, थोड़ा अपने दर्शकों को बताओ। आने वाला प्रोजेक्ट है चैनल पे ना, तो चैनल पे जैसे एक हम नया चैनल भी क्रिएट करने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो उस पे जो शक्तिमान था उसको हम फिर से कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसको रिक्रिएट करेंगे उसको। और दूसरा अभी जो पैरोडी सॉन्ग करेंगे अपने रामफल ब्रदर्स चैनल के लिए, उस पे जैसे जो दे प्यार दे गाना था तो उस पे हमने किया दे दे नेक दे नो नहीं गा के सुनाओ ना वो तो आने दो उसके बाद। अच्छा जल्दी आज कर रहे हैं उसकी रिहर्सल, करेंगे एक दो दिन में उसको शूट। जो आपकी लास्ट वीडियो थी उसका बारे में बताओ थोड़ी, कौन सी थी? हाँ ये आजकल मतलब ये किसानों के ऊपर जो मतभेद हो रखा है, गवर्नमेंट ने उनका हक नहीं दे रही है, उनके ऊपर लिखी थी किसान की जिंदगी के बारे में कि कैसे कैसे जिंदगी अपनी व्यतीत करता है किसान। रागनी थी ये अपूर यादव ने लिखी है, हमारा दोस्त है। अच्छा हाँ हमारे साथ थिएटर करता है टीम में वो, तो उसने लिखी थी। अच्छा लेखक, अच्छा लिखता है। तो एक बार अपने दर्शकों ने दो लाइन। हाँ मेरा बोया खाखा कहने पहलवानी कर गए कई, जमींदार कह गए खड़े न्यू कह के नेता बन गए कई, मेरे हक की बात आई तो सारे कित मर गए भाई, मेरे हक की बात आई तो सारे कित मर गए भाई, 5 साल ते बाट देखूं कोई तो ढंका आवेगा, छोटू राम देवी लाल हमने फिर ते चावेगा, सच्चे यो से जमींदार का बुरा बखत ना जावेगा, सच्चे यो से जमींदार का बुरा बखत ना जावेगा, ऊपर आला जा तो भी ऊपर आला जा तो भी ना होवेगी, समाई बता दो कौन करे का सुनाई, हेरनू तो बता दो कौन करेगा सुनाई। तो इतनी गवर्नमेंट आती हैं और चली जाती, लेकिन किसान भैया की सुनाई मुश्किलें हुए हैं। हमने कोशिश करी कि इस छोटी सी रागनी में जो किसान का पूरा जीवन उनके साथ क्या क्या होता है वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की, और लोगों को पसंद भी आया। तो आज जुड़ के यही प्रार्थना है भैया, किसानों का साथ दो और उनका हक उनको दिलवाओ। दोस्तों ये थे हमारे साथ में नवीन और अनूप रामफड़ ब्रदर्स, बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ इनका जो कि इतना कीमती समय हमारे चैनल को स्टार सुंदर न्यूज़ चैनल को दिया है। तो नवीन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपका और आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टार सुंदर चैनल न्यूज़ चैनल स्टार सुंदर न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। और भी कुछ आपको हमारे बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपका जवाब देंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।